चैनल को मैं आपका दोस्त आरजे राजेश। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब रिलेटेड वीडियो है, वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत नॉलेजफुल और बहुत यूजफुल आप लोगों के लिए होने वाली है। ओके, आप लोगों का रूम का प्रॉब्लम सॉल्व हम करेंगे, आपके पास राशन आएंगे तो राशन खाने के लिए भी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, वीडियो बहुत यूजफुल और बहुत नॉलेजफुल होने वाली है अगर आप गोवा में आके जॉब करना चाहते हैं तो। हमको वीडियो में अगर आप आए हो तो अगर जॉब आपको चाहिए, अगर आपको जॉब चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर नहीं चाहिए, अगर टाइम पास के लिए सिर्फ आए हो तो वीडियो को अभी बंद करके आप दूसरा वीडियो कुछ भी देख सकते हो, आपका जो मर्जी करे, आपका मोबाइल कुछ भी देख सकते हो। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, गोवा में आना चाहते हैं, कुछ कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। ओके, अगर लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है अगर आप काम करने के लिए आना चाहते हैं तो, क्योंकि मैं आपको 100% हेल्प करने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको जो जानकारी देने वाला हूँ, आपको जो कुछ भी चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ आपको अपने घर से यहाँ आना है और आपको काम करना है। ओके, आप वीडियो लास्ट तक देखिए। ओके, और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को देखने से पहले एक लाइक कर दीजिए, वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगे, यूजफुल लगे, नॉलेजफुल लगे, आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि मैं वीडियो बहुत आज सभी वीडियो से बहुत अलग बनाने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे, वीडियो अभी स्टार्ट करेंगे। हमको वेराना इंडस्ट्री में हमको लड़के चाहिए, 8वीं पास, शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 8वीं 10वीं 12वीं तक। आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन पढ़ना आना चाहिए आपको। आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आपको क्या पढ़ना आना चाहिए, इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए, हिंदी पढ़ने आना चाहिए। ओके, अगर आप पढ़ने आता है आपको, लिखने आता है आपको, अपना साइन मारने आता है तो आप भी आ सकते हैं, आपको भी हम जॉब प्रोवाइड कराएंगे 100%। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, जो पढ़ाई की है उसका सर्टिफिकेट, जिसके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसे आ जाओ, आपको ऐसे ही काम मिल जाएगा आधार कार्ड के बेस पे। ओके, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, जो पढ़ाई की है उसका सर्टिफिकेट। बैंक अकाउंट कहीं का भी चलेगा, उसमें IFSC कोड होना चाहिए। ओके, IFSC कोड है कि है तो कहीं का भी बैंक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ओके, आप इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर के आओ, और आते वक्त अपना 10-5 फोटो बना के लेके आओ, क्योंकि यहाँ फोटो की ज़रूरत पड़ती है। जिस कंपनी में काम करे उधर फोटो चाहिए, बाद में आपका आते वक्त आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है तो 4-4 फोटो उधर लग जाता है। 10-20 अपना जो भी बनवाना है अपने गोवा से, अगर आउट आप हैं तो आपको फोटो मेरे को लगता है बहुत सस्ते में बन जाता है, गोवा में तो महंगा है फोटो बनता है। ओके, तो आपको जो भी है 10 का भी तो फोटो बना ले लो। ओके, इतना बना लेके आ सकते हो आप। काम है वेराना इंडस्ट्री में, एक कंपनी है मेडिसिन कंपनी, 12 घंटे की ड्यूटी है उसमें, एक 10 कंपनी में 12 घंटे ड्यूटी आप करोगे, डे में नाइट में आपको ड्यूटी है, स्टैंडिंग में ड्यूटी रहेगी। ओके, 12 घंटे आपको खड़े रह के ड्यूटी करना है, और डे में रहेगा नाइट में रहेगा। ओके, पैकिंग प्रोडक्शन QA QC में आपको काम रहेगा, आपको 12 घंटे ड्यूटी स्टैंडिंग करना है। कैसे करना है ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी स्टैंडिंग करना है। ओके, मैं जो भी है साफ साफ बता दे रहा हूँ आपको, आप इंटरेस्टेड है तो आने का मेरे पास, नहीं तो कहीं और बेटर जॉब आप देख सकते हो। ओके, अगर आप काम करने के लिए मेरे पास आना है तो ही फ़ोन करिएगा, ज़्यादातर बेटर रहेगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा पूछताछ में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, मेरा भी आपका भी, काफ़ी ज़्यादा फ़ोन कॉल्स भी हमारे पास आते हैं। ओके, तभी बात हो गई, ड्यूटी 12 घंटे की स्टैंडिंग में ड्यूटी रहेगी, डे में 12 घंटे, नाइट में ड्यूटी शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक, नाइट है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, डे में ड्यूटी है। ओके, काम पैकिंग प्रोडक्शन में रहेगा। ओके, उसमें आपको हम प्रॉब्लम आता है कि आप काम करने के लिए आओगे तो रहोगे कहाँ, रहने के लिए हम आपको रूम प्रोवाइड कराएंगे। ओके, आपको रहने के लिए मैं रूम देता है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पेपर मेरा, मैंने एक दो कमरा लिया है वहाँ पर, आपको 10 लड़का 20 लड़का मैं रख सकता हूँ, 2-3 कमरे हैं, बड़े बड़े कमरे हैं उसमें, आपको हम रख सकते हैं। हमारा नहीं, हमारा जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, हमारा जो भी ऑनर है, हमारा जो बॉस है, उसने रूम ले रखा है, आपको हम उनके साथ रखेंगे। वहाँ पर आप रहो, ड्यूटी करो,
राशन खाने के लिए चाहिए तो आपको हम राशन भरा के देंगे, ओके, जो भी आपको चाहिए खाने के लिए हम आपको करके देंगे, लेकिन आपको ड्यूटी करना है, ओके। ये नहीं कि दो दिन की ड्यूटी और दो दिन करके गायब हो गए, ऐसे नहीं चाहिए। अगर ऐसा आप करने वाले हैं तो बिल्कुल मत आओ, ओके। आपको हम रूम देंगे, राशन भी खाने के लिए देंगे, रूम का रेंट लगेगा, राशन जो खाओगे उसका भी पे करना पड़ेगा, लेकिन कब, जब आपका सैलरी आ जाता है तब आप हमें पे कर दो, नहीं तो आप बोलोगे तो आपके सैलरी से उतना डिटेक्ट कर लेंगे, ओके। कैसे, आपका जब सैलरी आता है तब आप हमें पे कर दो जितना रेंट है रूम का, 1000 रुपया, एक लोगों का, एक लोगों का 1000 रुपया, और जितना आप खाते हो राशन का पे उतना आप हमें पे कर दो, या फिर आप सैलरी से माइनस करा दो। पेमेंट आपको 26 ड्यूटी का 12,500 पेमेंट आएगा, 30 ड्यूटी करोगे तो 14,500 पेमेंट आएगा 12 घंटे की ड्यूटी का। उसमें एजुकेशन नहीं चाहिए, अनएजुकेटेड 8वीं पास, 5वीं पास, 10वीं पास भी लड़का चलेगा, ओके, उसके लिए। और जो 8 घंटे की ड्यूटी है उसमें 12वीं पास 8वीं पास होना चाहिए, उसमें इंटरव्यू होता है, उसमें इंटरव्यू में आपको सवाल जवाब कुछ किए जाएंगे, उसमें पास होने हो जाएंगे तो उधर आपको इंटरव्यू होगा, तो उसमें मार्कशीट चाहिए, उसमें भी कम से कम 10वीं पास तो होना चाहिए, और उनमें अनएजुकेटेड नहीं चलेगा, उसमें 10वीं पास कम से कम चाहिए, ओके, ठीक है। तो बात हो गई कि अगर आप कांटेक्ट हमसे करना चाहते हैं, इतनी सारी बातें होगी, आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कैसे करेंगे, हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से हमारा कांटेक्ट नंबर निकालो और हमारे पास फ़ोन कर लो, ओके, हमारे पास फ़ोन करो, आप आना चाहते हो तो आ जाओ, अभी मेरे को अर्जेंट लड़के की ज़रूरत है, आप जितना जल्दी हो सके हमारे पास आ जाओगे हम आपको उतना जल्दी जॉब दे देंगे, ओके। आपको रहने के लिए दे रहे हैं, राशन खाने के लिए दे रहे हैं, सिर्फ आपको आना है मेरे पास, सिर्फ अपना भाड़ा लगा के आ जाओ मेरे पास, हम आपको काम दे देते हैं, ओके। समझ में आई मेरी पूरी वीडियो, आपको अभी तक समझ में नहीं आई होगी तो आप हमारे को फ़ोन करके हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन करिए हम आपको सारी बात बता देंगे, आप आ जाओ, आपको काम की ज़रूरत है हम आपको काम देंगे, हमको ये लड़कों की ज़रूरत है, हमें लड़का चाहिए, आप कहीं से भी हैं आ जाओ मेरे पास, हम आपको काम देते हैं। लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट्स बराबर होना चाहिए, 18 साल एज होना चाहिए, आधार कार्ड आपका होना चाहिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड ले लो, आपका वोटर आईडी है, वोटर आईडी बोले तो निर्वाचन कार्ड, जिस इलेक्शन कार्ड वो है तो वो लेके आ जाने का साथ में, वो सब साथ में लेके आने का, ओके। बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, नए जानकारी के साथ। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।